नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने ओमती थाने में 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रामनवमी त्योहार पर जुलूस निकलना था। रामनवमी के जुलूस के चलते ट्रैफिक पुलिस के आरक्षक आनंद गौतम की ड्यूटी मालवीय चौक से सिविक सेंटर तक वाहनों के डायवर्जन के लिए लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान एक कार वहां से ऐसे गुजर रही थी। आनंद ने कार को रोका और जुलूस निकलने की बात बताकर कार को दूसरी ओर ले जाने के लिए कहा। कार चालक नहीं माना और कार बीच रास्ते में खड़े कर आनंद गौतम से बहस करने लगा। बहस के बाद कार चालक कार लेकर चला गया और थोड़ी देर बाद आकर आनंद गौतम के साथ मारपीट करने लगा। मारपीट करने के बाद कार चालक अपने साथियों के साथ चला गया। इस घटना के बाद पीड़ित आनंद गौतम ने ओमती थाने में 3 लोगों के खिलाफ मारपीट की घटना दर्ज कराई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी बताएं, आप ओमती थाने आए थे, क्या शिकायत लेकर आए थे? हमारी ड्यूटी मालवी चौक थाने से मयूर लाज क्रॉसिंग में डायवर्सन के लिए लगी थी। नवरात्रि रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, उसमें मैं और योगेंद्र डायवर्सन कर रहे थे। डायवर्सन के दौरान एक सफ़ेद कार आई, उसको हमने डाइवर्ट किए तो उन लोगों के द्वारा बहाना बनाते गए कि हमें गोल बाजार जाना है। तो हमने बोले अभी जुलूस निकल रहा है रामनवमी का, तो रुक के चले जाना, अभी आप इस सिविक सेंटर तरफ चले जाओ। तो सिविक सेंटर तरफ नहीं जाके वहीं गाड़ी खड़ी कर दी बीच रोड में और बहस करने लगे हम लोगों से उतर के। फिर बहस करते करते कुछ देर बाद उन्होंने गाड़ी ले जा ली वहाँ से। उसके बाद फिर गाड़ी रखने के बाद फिर वो फिर से आए और फिर हमसे थोड़ा सा बहस करते करते धक्का मुक्की करने लगे। कौन लोग थे, कितने लोग? 3 लोग थे वो, उनको हम लोग तो पहचानते नहीं हैं, तो 3 लोग थे वो। कुछ नाम हम पता नहीं, नाम उनका हमें बिल्कुल नहीं मालूम। सफेद कलर की कार से आए थे वो। आपका नाम? आनंद गौतम। किस पद पे हैं आप? कांस्टेबल मालवी चौक जबलपुर। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।